नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने अपना धरना प्रदर्शन करना नहीं छोड़ा है। आज इनका 26वां दिन है। इन लोगों का कहना है कि सारे मंत्रियों से हम लोग मिले, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से भी मिले, सभी लोगों ने आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पॉजिटिव है। अब क्या पॉजिटिव है यह तो मुख्यमंत्री जी ही जाने। तो आइए हम लोग जानते हैं इन अभ्यर्थियों से जिन्होंने 26 दिन से अपना हड़ताल नहीं छोड़ा है। हम लोगों ने आगे की रणनीति बनाई है कि अब झारखंड के जितने भी पंचायत सचिव के युवा हैं वो अब शास्त्रों को छोड़ करके शस्त्रों की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी लोगों को ज्ञापन दिया, मेमोरेंडम सौंपा, उसके बाद भी अभी तक से इस पर कोई ठोस पहल नहीं अपनाया गया है। और कैबिनेट की बैठक से 2 दिन पहले हम लोग ये रणनीति बना रहे हैं कि झारखंड के जितने भी पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थियों को यहाँ पर आना पड़ेगा, उनके माँ बाप, भाई बहन, गार्जियन सबको आना पड़ेगा। और जो भी उनका झारखंड का जो भी पुरातन और पारंपरिक हथियार है, जिससे हम खेती करते हैं, जिससे हम शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम हथियारों को लेकर के सड़क उतरना है। और हमारे पास जो भी मतलब कि रसोईया का सामान है, हर एक बैठीन, छुरी, चाकू, जो भी है सामान, सब को लेकर के महिला अभ्यर्थी भी और पुरुष अभ्यर्थी भी सड़कों पर उतरेंगे। और अब हम लोगों ने हामी भर ली है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बहुत लड़ लिए हैं, सब्र का बांध टूट चुका है। अब हम लोग गांधीवादी हथियार को छोड़ते हुए हम लोग यहाँ पे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग अब उस राह में चलेंगे। अगर इस सरकार को NTPC जैसे युवाओं का आंदोलन पसंद है तो हम लोग वही आंदोलन करेंगे, लेकिन अपनी नियुक्ति को हम हर हाल में लेंगे और इस नियुक्ति को लेने के लिए अपना हर संभव प्रयास, अपना जी तोड़ मेहनत के साथ इस नियुक्ति को हम जरूर लेंगे। कल आप लोगों ने सत्यानंद गोप्ता जी से मिले, वो लोग बोले कि पॉजिटिव है। मुख्यमंत्री जी से मिले, वो लोग भी बोले पॉजिटिव है। कि क्या पॉजिटिव है, बस पॉजिटिव है या फिर कुछ और है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि बार बार हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और उनको आंदोलन पसंद नहीं आ रहा है, तो बार बार वो हमें आश्वासन दे रहे हैं, हमें भी उनका आश्वासन पसंद नहीं आ रहा है। बार बार बोलते संज्ञान में, संज्ञान में, ये कैसा संज्ञान है? ये मौन संज्ञान है या फिर आपने जानबूझ के इसको किस तरह का संज्ञान में आपने डाला है इसको, कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक से आपने डिसीजन नहीं लिया है। पिछले 2.5 साल से आप बोल रहे हैं कि संज्ञान में है, संज्ञान में है, ये 2 वर्ड आप सीखे कहाँ से हैं? संज्ञान और आश्वासन से कि हमारा पेट भरेगा कि हमारा नियुक्ति होना चाहिए। और हमारी नियुक्ति करवाने के लिए अब झारखंड के पंचायत सचिव के युवा जो हैं अब खुद ठान चुके हैं कि अब हम लोग शास्त्रों को छोड़ करके शस्त्र की ओर जाएंगे, तो जान लीजिए कि अब झारखंड का स्थिति और मंजर जो है कितना भयावह होने वाला है। शास्त्र उठा के आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, हम लोग अपना झारखंडी एकता का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि शास्त्र जब हम उठाएंगे तो हमारे शास्त्रों में हमारा हंसुआ रहेगा, हमारा कुदाली रहेगा, हमारा हल रहेगा, हमारा ज्वाइंट रहेगा, हमारा कुल्हाड़ी रहेगा, तीर धनुष रहेगा, वही पारंपरिक हथियार रहेगा जिनसे हम मतलब कि उन बाहरी और असामाजिक तत्वों से लड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो चूँकि जब ये हम लोग जब झारखंड राज्य के मूल निवासी हैं और हमारे साथ ही इस तरह का भेदभाव किया जाएगा, मतलब कि हमारे हक और अधिकार को जब भी छीनने की बात आई है तो हम लोग हमेशा अपना पारंपरिक हथियार से लड़े हैं और हम लोग भी उस पारंपरिक हथियार का इस्तेमाल करते हुए अपनी इस जंग को जारी रखेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बार उनसे मिल चुके हैं और हर बार बोलते हैं कि संज्ञान लेंगे, संज्ञान लेंगे, लेकिन ये संज्ञान वाला जो उनका ये शब्द है ना, हमारे कानों में चिढ़ता है, ऐसा लगता है कि उनका बस ये शब्द सुनते ही मेरा कान फट जाएगा। बार बार जो उनका इस तरह का चीज़ सुनते हैं तो कितना झारखंड के मूल वासियों का, कितना झारखंड के भोले भाले जनता का और बेबस लोगों का बद्दुआ लीजिएगा, क्या इस बद्दुआ के सहारे आप जी पाइएगा? इतना जो आप अचार संपत्ति जमा कर रहे हैं वहाँ पे, क्या इस संपत्ति के साथ आप खुश रह पाइएगा जहाँ पे आपकी प्रजा ही खुश ना हो? तो बहुत हो गया सर, इस मैंने शुरू से कहा था कि फ्रस्ट्रेशन का हर वो आलम पार हो चुका है और यहाँ के युवा आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो आपने सुना कि इन लोगों में कितना आक्रोश भरा हुआ है और ये लोग शस्त्र उठाने को भी तैयार हैं। क्या मुख्यमंत्री जी आप इनके शस्त्र उठाने से पहले ही इनकी नियुक्ति कर देंगे? रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, GN भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।